हेलो गाइज, वेलकम बैक इन व्लॉग। तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग आप लोगों को थंबनेल देख के आईडिया चल गया होगा कौन से टॉपिक पे आज का अपना व्लॉग होने वाला है। काफी अलग व्लॉग होने वाला है अपने चैनल पे। पहली बार मैं चैलेंजिंग व्लॉग कर रहा हूँ, और आज का चैलेंज ये है कि मैं पूरे दिन यानी कि होल डे बाहर का ही खाना खाने वाला हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। कहाँ खाने वाला हूँ, क्या क्या खा रहा हूँ, एवरीथिंग आई विल शो यू इन दिस ब्लॉग, सो स्टे ट्यून गाइस। फिलहाल गाइस समय देख लो 1:26 हो रहे हैं, और ये समय भाई लंच का होता है, लेकिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट का समय है। क्यों? क्योंकि मैं उठता लेट क्यों उठता हूँ, क्योंकि सोता लेट हूँ, और लेट क्यों सोता हूँ ये आप लोगों को पहले से पता है जॉब के कारण। ठीक है जी, तो फिलहाल चलते हैं गाइस ब्रेकफास्ट करने। तो थोड़ा बहुत गाइज आप लोगों को मैं रोड का भी सीन दिखा दे रहा हूँ, ताकि ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। तो ये अपन क्रॉस कर रहे हैं भाई तेलीबंदा ओवरब्रिज को। गाइज अभी अपन घरी चौक को क्रॉस कर रहे हैं, और घरी चौक से मैं निकल रहा हूँ मेकाहारा हॉस्पिटल के तरफ। तो गाइज ये देख लो लेफ्ट साइड में अपना मेकाहारा का हॉस्पिटल, काफी प्रसिद्ध हॉस्पिटल है रायपुर शहर का। और इधर आओगे तो यहाँ भी स्ट्रीट फूड बहुत सारे मिलते हैं जैसे कि यहाँ देख रहे हो, बट कोशिश है अपने को उनके पास जाने का जहाँ मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, क्योंकि उनका पोहा यार काफ़ी लाजवाब होता है। और ये जस्ट ये मेकाहारा हॉस्पिटल आओगे, यहीं से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ोगे रेलवे स्टेशन के तरफ तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो फाइनली गाइस पहुँच गए स्टॉल पे, यहाँ करेंगे अपन ब्रेकफास्ट। ये गाइज आ गया अपना स्वादिष्ट पोहा, जो कि मात्र 10 रुपये का है। और इसका जो ग्रेवी देख रहे हो, देखो कितना बढ़िया ग्रेवी यहाँ मिलता है, जिसमें मिलेगा हरी मिर्च, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता और अलग अलग मसाले। प्राइस मात्र 10 रुपये है, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलता है। एज यूजुअल फ्रेश है, और जो इनका भाई ग्रेवी है ना, ग्रेवी में अलग अलग मसाले डालने का, आप लोगों को 10 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज किए टेस्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं। आते शाम को 5 बजे पूरा। तो पोहा दोस्तों ट्राई कर लिया, बढ़िया लगा। अब बारी है यहाँ का डोसा ट्राई करने का। ये डोसा का मेकिंग प्रोसेस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए कितना बढ़िया डोसा का साइज़ यहाँ है, और इसमें जो मटेरियल डाला जा रहा है वही मतलब भर के मटेरियल यहाँ डाला जाता है। प्राइस मात्र 30 रुपये है। तो चलिए एक प्लेट यहाँ का डोसा भी खाते हैं। टाइमिंग क्या रहता है भैया यहाँ का? यहाँ का टाइमिंग है 7:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। डेली संडे छुट्टी रहता है क्या? कोई छुट्टी नहीं, जरूरत पड़ा काम करना, इमरजेंसी पड़ा तो छुट्टी, नहीं तो डेली चालू मिलेगा। और ये देखो भाई साहब क्वांटिटी, तो ये है गाइस मात्र 30 रुपये का ये डोसा, और इसके साथ मिला है भाई ये सांबर का यार कलर वगैरह देखो, और ये अपना नारियल की चटनी, जिसको जब मन करे दोबारा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेस्ट की बात किया जाए तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ का चाहे आप पोहा खाओ, चाहे इडली खाओ, या यहाँ का डोसा खाओ, प्राइस कम है लेकिन टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही बनाते भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि आपको गंदगी दिखेगा यहाँ, ऐसा भी नहीं है। अभी ब्रेकफास्ट करना है, और आप लोग इधर घूम रहे हो मेकाहारा की तरफ, तो यहाँ का ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये नारियल की चटनी कुल मिला के आज का जो अपना ब्रेकफास्ट यार कंप्लीट हो चुका है, पेट लगभग भर गया। एक खाया मैं यहाँ का पोहा, और दूसरा ट्राई किया यहाँ का भाई डोसा। ऐसे मेरा ये पहला टाइम नहीं था, पहले और भी आ चुका हूँ मैं, यहाँ खाया हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ब्रेकफास्ट यहाँ शुरुआत किया। अब नेक्स्ट देखो लगभग 2 से 3 घंटे बाद लगभग 4 बजे करीब मैं लंच करूँगा। लंच का भाई साहब कोई डिसाइड नहीं है, जहाँ अच्छा लगेगा या गूगल करूँगा, कहीं चीज़ में बढ़िया मिल जाए या गूगल से कहीं बढ़िया मिल जाए तो वहाँ ट्राई कर लूँगा। भाई जो भैया के पास कभी आपको आना है तो आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ, ये आपको दिखाया था मैं मेकाहारा हॉस्पिटल है, और सामने पड़ते हैं भाई द जेल शॉपिंग मॉल। ये सामने शायद नया खुला है पहले का नहीं पता, बट ये है, और इसी के अपोजिट जो है भैया का स्टॉल लगता है। तो कभी भी आ सकते हैं, कभी आपको ब्रेकफास्ट करने का मन हो तो। फिलहाल चलो अभी मेरे पास है समय, 3 घंटे क्या करूँगा, तब तक मैं सोच रहा हूँ कुछ काम धाम कर लूँ अपना, और उसके बाद फिर लंच का टाइम आप लोगों से मिलते हैं। फ्यू मिनट्स लेटर। तो गाइस मैं अपने जो लंच है ना, लंच स्किप कर दिया था बिकॉज यार समय मिला नहीं, काम में लग गया था। अभी समय देखो लगभग हो रहा है 8:02, अभी भूख लगना शुरू हुआ है। तो मैं अभी था बिलासपुर वाले रोड में, रायपुर टू बिलासपुर वाले रोड में, तो यही खा रहा हूँ अंडा का रोड। तो गाइज मैंने लंच को स्किप कर दिया, क्योंकि डोसा और पोहा खाने के बाद पेट जो है कुछ ज्यादा ही भर गया था, भूख लगी नहीं थी। तो मैं सोचा वीडियो के कारण जबरदस्ती खाऊंगा शरीर में नुकसान होगा, इसलिए मैंने लंच को स्किप कर दिया। उसके बाद जब भूख लगी तो मैं चले गया रोल खाने। यहाँ मिल रहा था गर्मा रोल, और इसके साथ ही कुछ और भी आइटम थे एग के, बट मैंने चूज किया रोल को, डबल अंडा वाला ये एग रोल। मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। ये
ये गाइस हमारा रोल आ गया है और डबल एग का रोल है और इसका प्राइस लगा है मात्र 35 रुपीज। बाकी आप लोग बताना आप लोग के यहाँ डबल एग अंडा रोल का क्या प्राइस चल रहा है। रायपुर में मोस्टली ज़्यादा 35 ही लगता है। अब जाके थोड़ा लगे पेट में कुछ गया यार, काम करते करते यार समय नहीं मिल पा रहा था खाने को लेकर, और शाम 4 बजे तो यार भूख लगा नहीं था तो मैं स्किप कर दिया लंच को। अभी जाके भाई साहब अपना ये रोल चल रहा है। तो रोल तो यार खा लिए, अच्छा लगा, ठीक ठाक टेस्ट लगा। अब ऐसा मन कर रहा है कहीं यार चाय मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। चाय सोच रहा हूँ कहीं अगर बढ़िया मिल जाए तो पीऊँगा, और उसके बाद लास्ट में दिखाएंगे आप लोगों को आज का डिनर क्या होने वाला है। डिनर वैसे सोच रहा हूँ किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाने के लिए, सड़क मतलब साइड में नहीं, रोड साइड नहीं, किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके ना डिनर करने वाले हैं, तो देखते रहो कहाँ जाते हैं वो लोग। हाँ जी गाइस, तो फिलहाल अभी समय आप लोग बता दो, लगभग समय हो रहा है 11:44, बोलो तो 12 बजने वाला है, रात्रि के 12 बजने वाला है, और ये परफेक्ट टाइम है अपने डिनर का। एंड डिनर के लिए गाइस मैं पहुंचा हूं अशोका बिरयानी में, तभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्या यहाँ खाएंगे, चलते हैं बैठते हैं मेन्यू देखते हैं, कुछ बढ़िया लगेगा ना वो ट्राई करेंगे अपन। गाइस अशोका बिरयानी में आते साथ ही हमें मिल रहा मेन्यू, तो मेन्यू से मैंने सेलेक्ट कर लिया यार, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली एक मटन कड़ी ऑर्डर किया हूँ और उसके बाद 4 तंदूरी रोटी किया हूँ, बाद में लगेगा तो और एडिशन करा लेंगे। प्राइस की बात की है तो मटन कड़ी का जो प्राइस है पोर्शन लोगे तो 189 है, जिसमें 2 पीस मिलेगा, हाफ 349 4 पीस का है, तो मैंने पोर्शन किया है एनफ है यार, अपना हो जाएगा, सिंगल हूँ तो अपना हो जाएगा। बाकी और चीज़ का प्राइस देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके भाई यहाँ आप लोग प्राइस भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आते साथ देखो ये अपना टेबल पे लगाया हुआ मिला, मस्त रोज है, आर्टिफिशियल है वैसे, ये बढ़िया है वैसे, और इधर चल रहा है भाई साहब अपना क्रिकेट। हाँ जी तो ये देख लो ये हमारा तंदूरी रोटी और ये आ गया भाई मटन कड़ी। चलो फटाफट ट्राई करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बनाने के कारण यार कई बार फूड अपन ठंडा कर देते हैं। और इधर आप लोग को दिखा दूँ सैलेड मिला है, सैलेड में है भाई नींबू प्याज और हरी मिर्च। तो वहाँ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, मैं यहाँ आप लोगों से ये बता रहा था कि 189 में 4 पीस हमें मटन का देखने को मिला है, हालांकि वेटर बोले कि 2 ही पीस मिलता है, पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ मुझे 4 पीस देखने को मिला, 2 गुद्दा वाला और 2 हड्डी के साथ मिला है। तो फाइनली गाइस चलिए अब ट्राई करते हैं यहाँ का मटन करी। तो पहला बाइट मैं लेता हूँ, टेस्ट बढ़िया था बट और तरकता भरकता होना चाहिए था, ज़्यादा तरकता भरकता यहाँ मुझे देखने को नहीं मिला। बाकी गाइस ये है मटन का पीस, ये जो मटन का पीस देखना ये काफ़ी बढ़िया है, ओनली भाई साहब मस्सा है, और देखो कितना बढ़िया है, मेल्ट हो रहा है भाई साहब, अंदर से पका मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से है। तो यहाँ जो गाइस मटन का पीस मिला था वो काफ़ी बढ़िया लगा, मुंह में जाते साथ ही घुल भी जा रहा था, पका भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन जो ग्रेवी था ना, ग्रेवी मतलब जस्ट ओके ओके लगा, और भी बढ़िया हो सकता था अकॉर्डिंग टू प्राइस, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मटन का ग्रेवी खा रहा हूँ, बट वो मतलब ठीक ही लग रहा था, लेकिन और वो बढ़िया हो सकता था, गुंजाइश थी ग्रेवी और बेटर करने की। बाकी पीस से कोई शिकायत नहीं है, पीस काफ़ी बढ़िया 4 पीस मिला था और पका भी काफ़ी बढ़िया था, टेस्ट भी अच्छा आ रहा था। 1 पीस और गज मिला इधर विदाउट हड्डी ओनली मीट, और भाई साहब इसका देखो कितना बढ़िया ये गल चुका है ना, कलर देखो भाई साहब इसका, भाई साहब मुंह में जाते पूरा गल जा रहा है। तो फाइनली गज अपना जो खाना पीना है कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा जान में जान आ रहा है भाई, आप लोगों को बिल भी दिखा देता हूँ कितना का बिल बना है फिलहाल यहाँ। टोटल बिल गाइस अपना पर है 286 का, पॉज करके पढ़ सकते हो किससे कितना लगा है। 189 आपको बताया था मटन का था,
तंदूरी रोटी पहले 10 रुपये का था जबकि अभी 15 रुपये का हो गया है, और मिनरल वाटर 25 का, बाकी टैक्स वैक्स जोड़ के ना टोटल हो गया 26। पे करते हैं और फटाफट फिर यहाँ से निकलते हैं अपन। चलते हैं, तो वैसे अपना फेवरेट पार्ट है, मिलते फिर आप लोगों से बाहर। कुल मिला गया अपना जो खाना पीना है सोका बिरयानी में हो चुका है, और समय वही लगभग 12:30 हो चुके हैं भाई रात के। ठीक लगा खाना ओवरऑल। जो मटन था ना, मटन का पीस मुझे काफ़ी पसंद आया। जो ग्रेवी था ना, ग्रेवी मतलब और तरकता भरकता हो सकता था, बट नॉर्मल सा था, बट कोई नहीं, बढ़िया लगा। तो फिलहाल यार रात के 12:30 बज चुके हैं, लाइट अभी बंद हो चुका है, तो अब गाइस निकलते सीधे घर के लिए, और घर में जाके ब्लॉक यार एंड कर देंगे कि लाइट वेट देखो भाई पूरा चारों तरफ का बंद हो चुका है, रात्रि हो गया है इस कारण। तो चलिए गाइस, रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप कि आप लोग को मेरा चैलेंज वाला ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट कौन सा चैलेंज करूँ फूड से संबंधित कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, लाइक नहीं किए हो, तो यार प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड हाँ, जो लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जाके देखिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लोग भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।